वे से ख़बरें दोस्तों आप लोगों के नाम पर आज के वास्ते हम पुकारेंगे मानदावे तंतक यानी वारी दो हज़ार के लिए असलकुम नमस्कार हर एक राम राम और आप लोगों को याद किया जा रहा है ख़बरें आप लोगों के नाम पर आज बयान हो रहा है और आज एक बार फिर साहेब शहीद अली अहमद के गैर हाजिरी में हम प्रोग्राम में हैं आपके साथ और हमारे देश के जनता खबरों में आप लोगों को आज हम बताने जा रहे हैं कि आज के वास्ते देश के हालात क्या है न यहाँ पर दाखबलात लिखे हैं दाखबलात सूरी बयान करता है मई द इन सेतन द फेफ द फॉर केयर्स दो तो देश के जनता बहुत बड़का प्रॉब्लम है आप लोग के देश के अंदर में जी हाँ बहुत भारी मुसीबत है और हम आप लोग से बताइला इतने बातचीत करने के बावजूद भी पता नहीं है हम लोग इससे सबक क्यों नहीं लेते हैं ना इतने आन देंगे होते हैं कुछ रुकलोस रई खदराख से होते हैं कुछ जो अपन अपन तरीक़ा से होते हैं ना तो सिपाही को मैलदेंग मिलल सनीचर के समझा के मखेंता वैख ये भी मखेंता कनाल वैख के आसपास में एक फरकेर्स सोंखाल हमारे दोस्तों और अठारह बरस के उम्र का शीश दुलारे ये इस फरकेर्स सफ़ाल में इनका देहांत हो गया है ये एक गाड़ी में बैठा था और फरकेर सौंकफफ़ाल से इस नौजवान ने अपने प्राणों से हाथ धो बैठा बड़ी तकलीफ़ की बात है हमारे देश के जनता और हम कौन सी बोली भैया पता ना है यहाँ अखबार लिखता है ततनख तो तो ऑन तो बंद रई दनन इलेक्ट्रिस मस में जा कर के गाड़ी भिड़ाई सेगा खबर दर दुलारे इस गाड़ी में बैठे रहे अखतन तुंतियार बस्तूर दर बड़ा भाई ये सिकन में है कृतिकत तुस्तान है थे, इनका हालात नाजुक है जैसे अखबार बताता है और 18 साल का शीश दुलारे ये वफात पाया है फरकेर्स बार में इतर पाँच तलक आ गया और रेखियो मैदन के सिपाही इस केस को छानबीन करता है हमारे देश के जनता हम ना जानी हम इस केस के बारे में का कही ना लेकिन हम यहाँ से उम्मीद करीला कि अब से तो आप लोग सबक ले लें ना कि फरकेर में कैसे पेश आवे की है बहुत तकलीफ़ की बात है और इस रिश्तेदार के ग़म में हम लोग शरीक हैं तेबेन के दिरक्सी और सभी मुलाजिम इस रिश्तेदार दुलारे के गम में शरीक हैं और यही दुआ है कि खुदा आप लोगों को सब्र करने की तौफीक कता फरमाएं क्योंकि एक लड़का वफात हो गया और दूसरा बेटा जिंदगी और मौश के दरमियान सिकनह में है तो इस रिश्तेदार के ऊपर क्या गुज़र रही है हमें अंदाज़ा है इसलिए आप लोगों के हम लोग याद फरमाते हैं इन अंधेरे दिनों में खवापंद रोफ ओफर बाई बै स्टेशन था शोन तो क्रिमिनेलन चार गोसनीचर के रात को रोफ ओफर करी से पॉम्स स्टेशन में और ये भी ओ स्वेस्वर में सिपाही के अंदर सुख से सामने आयल कि रोफरवन पहले कलांत घट गए पॉम्प बदिंदा ओतो में तेल भरी से और अचानक ये आदमी बोले हमें को बॉन्द तू दे, दे। मेरी दबेर कर बॉन्ड लिखत रहा और उनको गोली लगा दिया गया रिवॉल्वर लगा दिया गया अट्ठारह हजार दे ले करके और ये लोग फरार हुए हैं हमारे जनता हम आप लोगन से बताई ला आप लोग अंदर नहीं मर बाटे ना कोई कारोबार कोई मुर्गी कारोबार है कोई पॉम्स स्टेशन है है कोई दुकान है सुपर है, है जो भी हो यू बहन तो अंदर नहीं मर हम आप लोगों से निवेदन एंड गुजारिश करीला पैसा के मुंह आप लोग ना तकियो अच्छा काहे के पैसवा आप लोग कमाओ है ना पैसवा तो के कमा है कोई आके जान से मार के चला जाएगा तो ना रहियो और ना पैसा कमाइयो ना तो यह बात हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं अठारह हजार एस आर डी एकदम मुफ्त में लेकर के क्रिमिनेलन चले गए हैं आप लोग अपने को बफेल करवाइए अपन में कम कमावेश एक बवाकिंग लीजिए जो उनके पास खवापंत है जिनके पास बंदूक है या पिस्तौल है वरना इसी तरह से रोफर्स आप लोगों को भी मंगा करता जाएगा ठीक है समझावे भर के नाता हैगा और ना सुनियो तब जब ऊपर पड़ेगा तो माजरा अलग सी होगी या प्रेसिडेंट प्रेसिडेंस हमारे देश के जनता बोले वे हाल तुवेंत तुवें तक ऑप स्लोफन एन डी पी का सदर और श्री देश का प्रेसिडेंट सैन एक्सलेंसी श्री बाउतरस

हमारे देश के जनता एनडीपी पॉलिटिकल पे पोलिटिकल पार्टी बोली से कि हम लोग इस देश में काम कर रहे हैं द एन दई पे फन ऑफ द बास स्नार बहुवन या तो हमारे देश के जनता ये पैगाम दिया है बाउतर सने और बोले हम लोग तवेंतख तवंतख में वे कौम्बा का अच्छा ये तो वक्त बताएगा कौन आएगा और कौन जाएगा ना ये वक्त बताएगा और प्रेसिडेंट से सौ मारी बतिया ना बोलेगा ओकर पास पूरा वजह होगा हमारे देश के जनता मान भरो, फंतास जी हां और पर हमारी बहू के सिपाही को सनीचर के सवेरे मैलदे मिले है स्त्र कैसर स्त्रात में एस बी कैशर में चले हैं और श्री के जनता चलते चलते ये आदमी बातचीत शुरू कर दिया एक कमर्शियल सेक्स वर्कर से मतलब एक औरत जो अपने जिसम बेचने का धंधा करती है उनसे ये आदमी बात करने लगा अब श्री के जनता अचानक एक आदमी वापन और छुरी लिए इनके पास आया बदरे पोर्ट पचास में रहा टेलीफोन सब खरातस में चल गया सिपाही आन खिफ्त ले गए आन खिफ्त में बोलिस मनेर देख हम वातर मोलरात में चलत रह ली वहाँ पर एक पतुरिया से बात करना शुरू किया मैंने और अचानक एक आदमी आया पतुरिया से बात करते वक्त हमें लूट लिया न और आन खेफ्त हुआ है भैया देखो न कौन है कौन इसमें पकड़ा जाता है और कौन छोड़ा जाता है हा? हमारे देश जनता श्री नाम के दोस्तों दाख बलत शूरी नाम बयान करे है फे हाँ पे एसन बतराओ बार पोलिटिक है हा? बोले फन ऑफ द ऑपरेग फन देहा पे ऑप सिन यानी वारी नेग ने फेर तख बोले वाह

यहाँ पर भी हम आप लोगों से बताए या फिर यहाँ पे ही बात को लिखा है कि लोग एगो बार पढ़ते ही है ये बात फिर यहाँ पे ही बपाल नहीं कर सकता ये जनता को ऐलान इसका करना है जनता को ये बपाल करके चाहिए कि कौन पढ़ते ही बतरा उबार है और कौन विश्वास घाटी है ना लेकिन फिर यहाँ पे ही लिखता है पार्टी उत बात नीचे लिखी से हर दे और अमीन हर दे और अमदीन बात इनका ख्याल होगा भैया लेकिन जनता यह अनुभव करेगा जनता यह फैसला करेगा कि बतराबार है कि बतरा उ है कि पर्चया लुहर बतराबार है क्यों है कि नहीं ना? एक आदमी के ख्याल से यह बात तय तो नहीं हो जाता पोलिसी मख्तलूस Tegenoverlast vanuit de openbare weg, dat is niet iets nieuws, maar janta. De politie gaat sowieso machteloos worden, want die hebben geen diesel, die dragen geen pies aan het werk. Met alle gevolgen van dien, dus die gaan dan machteloos worden, want die hebben geen geld op zak. Dan ben je machteloos. Tot deske Janta, is baat. Hij भला शर्म की बात है इस खबर को पढ़ते घिन आती है दोस्तों अरे पोलि एक और खान है जो और हाफ करता है भैया, और आज पोलसी बोले वसे तो आउ दा नित? या? दा मुझे या तो आज दींद्र हमारे दोस्तों सिपाही और दाफ दा करता है और आज हो गया हमारे देश के जनता आज के वास्ते ख़बरों को मैंने बयान किया मोह से आप लोग रहियो हो इन, है? अच्छे से रहना है आप लोगों को एक दूसरे के साथ और हमारे शूरी नाम के जनता जिंदगी बाकी रहेगा तब मुलाकात होई चोरी चपाटी बहुत कस के चढ़े उस पर आप लोग गौर करियो बताइला और हमारे शूरी नाम के जनता ये सब बातें आप लोगन के नाम पर है? भैया रखना जरूरी आखिरी में एक और खबर आप लोगों को बता दें म फरमिश् मिकन त रेख देर तीन यार के गो बिटिया परिवार बोले ये घर से गया रहा गायब थी सोंद अक्सर तिन यानी वारी को बोले घरे आइये आन खेस्तर बोले हमार लड़का ना बोले कि नेख यानी वारी को घर से फैफ ओफर से ईफर निकल स्कूल जात रहा मार बोले घरे ना आयल फॉल्कन द फॉर क्लारिंग हे मलेसा फॉर क्लार बेन यंग मंथ सेन खवेस तो ये छौड़ी और बड़का स्कूल जाने लगी देर यार के है ना लेकिन स्कूल मैया पठावत रहा और बड़का स्कूल गए हाँ भैया तो अब घरे आई है गुल खिला के घरे आई है उसके बारे में नहीं लिखा लेकिन दोस्तों आप लोग अच्छे से रहियो ये यह भी आपके लिए एक सबक जैसी है ना सबक ना लिहो तो धक्का अस्सलाम वालेकुम नमस्कार हरे को राम राम और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे शुक्रिया खुदा हाफिज हमारे दोस्तों